वेलकम गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन इंडियन इंग्लिश ग्रामर चैनल। एंड इस वीडियो में आज मैं विशेष रूप से ग्रामर के कुछ खास पॉइंट्स पे बातचीत करूँगा। इसको लर्निंग करें और अपने डेली लाइफ में यूज करें ताकि आपके ग्रामर हो सके सबसे मजबूत। ओके वेल गाइज, तो जैसा कि आपने देखा है मेन पेज पर, बिल्कुल वही सेम चीज़ें इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि द के ओवरऑल 9 ऐसे पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल द के बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। आप छोटी क्लास में हो या बड़ी क्लास में हो या किसी कंपटीशन की क्लास ले रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको हर जगह ये यूजेबल होगा आपके लिए प्रॉपर तरीके से। ऑलराइट, एकदम निश्चित रूप से आप डेफिनेट हो जाइए, ओवरऑल श्योर हो जाइए कि आपको इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है गाइस, हम पहले से जानते हैं कि द जो है यह एक डेफिनेट आर्टिकल है, राइट ना, जिसका प्रयोग हम हमेशा जो करते हैं वो किसी नाउन के पहले उस नाउन के पोजीशन को निश्चित करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, ओके। जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि द, ए और एन, ये तीनों के तीनों एक आर्टिकल हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, जिसमें से ए एन आपका इनडेफिनिट आर्टिकल होता है जो नाउन के पोजीशन को इनडेफिनिट करने के लिए लगाया जाता है, और द जो होता है ये आपका नाउन के पोजीशन को डेफिनिट करने के लिए, मतलब कि निश्चित करने के लिए लगाया जाता है। ऑलराइट, अब एक दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लीजिए कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में द को जो है हम डिटरमाइनर भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब, ये आर्टिकल तो हम पहले से जानते ही हैं, ठीक है ना, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है इंग्लिश का उसमें हम इसे डिटरमाइनर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके। अगला तीसरे पॉइंट में गाइस आप यहाँ पे क्लियर करेंगे कि द एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है ना। तो गाइस तीसरा पॉइंट में आप ये जान जाइए कि द जो है गाइस यह एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ठीक है ना। आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी अगर एडजेक्टिव को समझने के लिए, तो इसमें आप व्हाट्सएप स्पीच वाले मेरे ओवरऑल प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ए एन का शाब्दिक अर्थ होता है, ए का मतलब, एन का मतलब एक होता है, लेकिन द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अगला पांचवा पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए कि द का प्रयोग जो होता है वो हमेशा नाउन के पहले होता है, ठीक। कोई भी सेंटेंस है तो उसमें जो नाउन होता है उसके पहले उसका हमेशा प्रयोग होता है, और कहाँ कहाँ विशेष रूप से होता है द का प्रयोग, यह जानने के लिए आप इस चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब करें, और इसमें वीडियो आपको द के यूज का मिल जाएगा जिसमें हमने आपको 37 यूज ओवरऑल बताए हुए, ठीक है। ऑलराइट, अगला पॉइंट आते हैं हमारा 6 नंबर पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में गाइस आप एक चीज से श्योर हो जाइए, अब इसमें विशेष रूप से बताया जा रहा है कि कब हम इसको द पढ़ेंगे, कब हम इसको दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखें कि जब भी वह नाउन जिसके पहले आप द लगाने वाले हैं, वह नाउन का पहला लेटर अगर कंसोनेंट होता है, ठीक है, जैसा कि आप कंसोनेंट जानते हैं, ठीक, तो अगर उस नाउन का पहला लेटर कंसोनेंट होता है तो उसके पहले जब हम ई टी एच ई जिसे हम द या दी पढ़ते हैं या लगा है, तो उसको हम उस समय द पढ़ेंगे, सिंपली द पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं द स्कूल, तो स्कूल का पहला लेटर आपका क्या है, ये कंसोनेंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको द पढ़ेंगे। जैसे द पेन, द फैन, ओके, इसका भी पहला लेटर देखो यहाँ पे कंसोनेंट है, इसका भी लेटर यहाँ पे पहला कंसोनेंट है, ठीक है ना, ओके। और अगला पॉइंट में आप ये क्लियर कर लीजिए कि अगर ऐसा कोई नाउन है जिसके पहले हम टी एच ई का प्रयोग कर रहे हैं और उस नाउन का पहला लेटर अगर वावेल होता है, तो हम उसके पहले इस टी एच ई को दी पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे द ईस्ट, द इंक पॉट, द ओनियन, ठीक है ना। तो यहाँ आपने देखा कि ईस्ट का जो है सबसे पहला लेटर जो है ये आपका ई है, जो कि एक वॉवल है, और यहाँ इंक पॉट का आई जो आप देख रहे हैं ये भी आपका वॉवल है ना, और ओनियन का ओ जो है ये भी आपका वॉवल है, ठीक। तो इसलिए आप जान जाइए कि यह आपका ओवरऑल इसके पहले टी एच ई लगा हुआ है, तो इसको हम दी पढ़ेंगे, राइट। अब गाइज अगला पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 8 में आप देखेंगे कहा जा रहा है कि जो दी या द जिसे हम पढ़ते हैं,
यह दिस और दैट दोनों का वीक फॉर्म है, ठीक है ना। एक वीक फॉर्म होता है और एक आपका स्ट्रांग फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे आप वीक वर्ब और स्ट्रांग वर्ब के बारे में सुना होगा आपने, वैसे ही वीक फॉर्म और स्ट्रांग फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो इसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा जल्द ही कि वीक फॉर्म क्या होता है, स्ट्रांग फॉर्म क्या होता है। लेकिन ये जान जाइए कि दिस दैट जो है ये आपका स्ट्रांग फॉर्म है और इसका जो है वीक फॉर्म जो है वो द है, ठीक है ना। ऑलराइट, और अगला एंड लास्ट पॉइंट में जान जाइए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वाक्य में दिए गए नाउन, जो नाउन है जिसके पहले हम टी एच ई द या दी का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उस पर हमें जोर डालना है, जोर डालना का मतलब उस पर प्रेशर देना है ना, तो उस टी एच ई को हम हमेशा उस दौरान दी पढ़ेंगे, वहाँ पे हम द नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे नाउन का पहला लेटर कंसोनेंट हो, चाहे नाउन का पहला लेटर वावेल हो, ठीक है ना। ये बातें हमेशा क्लियर करिएगा। तीन पॉइंट, एक ये आपका जब कंसोनेंट हो है ना तो वहाँ पे हम द को द पढ़ते हैं, जब वावेल हो तो वहाँ पे हम द को दी पढ़ते हैं, राइट ना। लेकिन अगर प्रेशर देने की बात आ जाए उस नाउन पर जिस नाउन के पहले हम द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम हमेशा हमेशा दी पढ़ेंगे टी एच ई को, ठीक है। तो गाइज ये टोटल का टोटल डिटेल आपका इस वीडियो में दिया गया एंड आई एम श्योर कि आपको 100% ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका यूज आप बेफिक्र होकर करें, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पोकन क्लास का लिंक दिया गया है, अगर आप चाहें तो हमारे स्पोकन क्लास को भी कंटिन्यू करें। अंग्रेजी बोलने की गारंटी देता हूँ, आप कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे तो अंग्रेजी बोलना पक्का सीख जाएंगे, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही, और याद रखें कि अगर आप अभी तक चैनल पे कंटिन्यू नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक हमारा अगला वीडियो जो है आराम से मिल सके और कंटिन्यू आप पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।